की धीमी लिफ्टिंग को लेकर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने हैं। आप नेताओं ने आज चंडीगढ़ स्थित भाजपा के प्रदेश मुख्यालय का घेराव करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल कर उन्हें तितर बितर कर दिया। इस दौरान शिक्षा मंत्री हरजोत की पगड़ी उतर गई और उन्हें हल्की चोट भी लगी। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि केंद्र सरकार की कोई भी एजेंसी, विशेषकर चुनाव आयोग जैसी संस्था, अगर बीजेपी की भाषा बोलने लगे, चुनाव आयोग बीजेपी आयोग बनकर रह जाए तो फिर कुछ कहना ही बेकार है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वो सभी राजनीतिक दलों की सुने, लेकिन पिछले 10 वर्षों में देखा है कि बाकी एजेंसियों की तरह चुनाव आयोग भी सवालों के घेरे में आ गया है। बीजेपी सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जिस तरह से चुनाव आयोग ने कांग्रेस के बेबुनियाद और बेतुके आरोपों पर 1642 पन्नों में विस्तृत जवाब दिया है, उससे पता चलता है कि सत्ता के प्रति आत्मीयता का प्रतिशोधपूर्ण अहंकार कि मैं सही हूं तो मैं जीतता हूं और अगर मैं हारता हूं तो कोई और जिम्मेदार होता है। राहुल गांधी को उन्हें बिगड़े दिल शहजादे की मानसिकता से बाहर आना चाहिए। झारखंड में काम न होने के बीजेपी के द्वारा लगाए गए इल्जाम पर बोलते हुए कांग्रेस नेता अजय कुमार ने कहा कि मैया योजना को देख लीजिए, हमारे क्षेत्र में दिहाड़ी मजदूरी भाजपा के समय 300 रुपए थी, अब ठेकेदारी मजदूरी सबसे ज्यादा झारखंड में है। उन्होंने कहा कि बोलने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। अजय कुमार ने कहा कि झारखंड चुनाव में चीन को आंख दिखाने की चर्चा हो रही है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ये जो लोग पटाखे फोड़ने पर बयानबाजी कर रहे हैं वो सनातन विरोधी हैं, पटाखा विरोधी नहीं। आजकल तो कोई भी त्योहार हो उस पर आतिशबाजी की जाती है, तब प्रदूषण नहीं होता। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रतिक्रिया दी है। सचिन पायलट ने कहा कि यहां हमारी पूरी तैयारी है, महाराष्ट्र में हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है, हमारी सीट शेयरिंग बहुत अच्छे माहौल में संपन्न हो गई है और सत्ताधारी दल समझ चुका है कि उनका जाना तय है। महाविकास अघाड़ी के सभी उम्मीदवार मजबूत स्थिति में है, यहाँ के लोगों ने मन बना लिया है कि कांग्रेस और सहयोगी दल के लोगों को जिताना है। बीजेपी नेता तरुण चुंग ने कहा कि कांग्रेस एक नीतिहीन, विचारहीन और नेतृत्वहीन डूबता हुआ जहाज, वो अपने हार के ठीकरा ईवीएम पर और चुनाव आयोग पर फेंकते हैं। अगर कर्नाटका, तेलंगाना, हिमाचल में जीत जाए तो उनको ईवीएम याद नहीं आती, अपने विवेकहीन युवराज के महापरिक्रमा के अंदर ही पूरी पार्टी डूबी है, चुनाव हारने के बाद भी अहंकार सिर पर बोल रहा है। केरल के मंत्री पी राजीव ने नीलेश्वर आतिशबाजी दुर्घटना पर बात की। पी राजीव ने कहा कि 8 घायल व्यक्तियों की गंभीर देखभाल की जा रही है, ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए जांच चल रही है, सरकार सभी उपचार खर्चों को वहन करेगी और उचित देखभाल सुनिश्चित करेगी घायलों के लिए। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक शाह ने पश्चिम त्रिपुरा में दूसरी बटालियन TSR कैंप में पुलिस बलों और सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाई। इस कार्यक्रम ने बटालियन के बहादुर पुरुषों और महिलाओं को एक साथ लाकर रोशनी का त्योहार मनाया। देश 31 अक्टूबर को दिवाली मनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है और धनतेरस के साथ उत्सव की शुरुआत हो रही है। रोशनी के त्योहार के रूप में जाना जाने वाला दिवाली अंधकार पर प्रकाश और बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के एकता नगर में 280 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न बुनियादी ढांचागत और विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।